स्वागत है। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है टू एक्सप्रेस एनी वैल्यू ऑफ फंक्शन इन टर्म ऑफ लीडिंग टर्म एंड द लीडिंग डिफरेंस ऑफ आर डिफरेंस टेबल। हमें ये शो करना है, इसमें इसके रूप में एक्सप्रेस करना है, मतलब एफ कोई फंक्शन होगा जो ए प्लस एन एच पी उसकी वैल्यू एफ ए प्लस एन सी वन डेल एफ ए प्लस एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट 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 डेल एन एफ ए के रूप में दी जा सकती है। ये हमें शो करना है, इसको प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेल एफ ए बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, या हम कह सकते हैं एफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच इक्वल टू डेल एफ ए प्लस एफ ए। नाउ अब हम करते हैं फ्रेंड्स, एफ ए प्लस टू एच इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, इसी से एफ ए प्लस टू एच बराबर क्या होगा हमारे पास, वो होगा इसी के हेल्प से एफ ए प्लस टू एच बराबर क्या होगा, डेल एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस एच। हमने एक टर्म को आगे बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे एफ ए प्लस, यहाँ से हम फ्रेंड्स एफ ए प्लस एच की वैल्यू रख सकते हैं हम, तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या जाएगी, डेल डेल एफ ए प्लस एफ ए प्लस एफ ए प्लस की एच की वैल्यू यहाँ से फिर डेल एफ ए प्लस एफ ए, या फिर इसको कह सकते हैं डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डेल एफ ए प्लस डेल एफ ए प्लस एफ ए, या इसको कह सकते हैं डेल स्क्वायर एफ ए प्लस टू डेल एफ ए प्लस एफ ए। अब फ्रेंड्स इसी तरह हम एफ ए प्लस थ्री एच की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ ए प्लस थ्री एच की वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगी हमारे पास डेल एफ ए प्लस टू एच प्लस एफ ए प्लस टू एच। अब यहाँ से एफ ए प्लस टू एच की वैल्यू पुट कर देनी है हमें, तो डेल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस टू डेल एफ ए प्लस एफ ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए प्लस टू डेल एफ ए प्लस एफ ए। तो फ्रेंड्स यहाँ से आ जाएगा हमारे पास डेल क्यू एफ ए प्लस टू डेल स्क्वायर एफ ए टू डेल स्क्वायर एफ ए एंड एफ डेल स्क्वायर एफ ए, ये थ्री डेल स्क्वायर एफ ए, यहाँ से डेल एफ ए और टू डेल एफ ए, ये थ्री डेल एफ ए प्लस एफ ए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं, अगर ये एन बराबर वन के लिए भी हमारे पास प्रूफ यही शो हो रहा है, एन बराबर टू के लिए हम अगर एन बराबर टू यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा एफ ए टू सी वन इक्वल टू टू डेल एफ ए टू सी टू इक्वल टू वन डेल स्क्वायर एफ ए, ये हमारे पास प्रूव हो रहा है। इसी तरह एन बराबर थ्री के लिए एफ ए प्लस थ्री एन थ्री एच बराबर ये हो गया डेल क्यू एफ ए प्लस थ्री डेल स्क्वायर एफ ए प्लस थ्री डेल एफ ए प्लस एफ ए। इसी तरह यहाँ पे एन पुट कर एन बराबर थ्री पुट करें तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस थ्री सी वन इक्वल टू थ्री होता है थ्री डेल एफ ए प्लस थ्री सी टू इक्वल टू भी थ्री होता है तो थ्री डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन सी एन यानी थ्री सी थ्री तो वो वन होगा और एफ ए ये आ गया। नाउ वाई मैथमेटिक्स इंडक्शन, मैथमेटिक्स इंडक्शन मेथड से फ्रेंड्स हम यहां मान लेते हैं कि लेट इट्स ट्रू, या इक्वेशन फर्स्ट देते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट ट्रू फॉर एन बराबर के। हमने मान लिया कि ये जो कंडीशन है वो एन बराबर के लिए होल्ड कर रही है, यानी कि एफ ए प्लस के एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं एफ ए प्लस के सी वन डेल एफ ए प्लस के सी टू डेल स्क्वायर एफ ए
प्लस चलते हुए ये के सी के डेल एन एफ ए, यहाँ तक है फ्रेंड्स, ये हमारे पास हो गया। अब हमें शो करना है, वी वांट टू शो एफ ए प्लस, अब के एन बराबर के प्लस वन पे हमें शो करना है इसको, तो ये के प्लस वन एच इक्वल टू एफ ए प्लस के प्लस वन सी वन डेल एफ ए प्लस के प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट चलता हुआ ये हो जाएगा के प्लस वन सी के प्लस वन डेल एन प्लस वन एफ ए, ये हमें शो करना है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ की हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस एफ ए, यहाँ इसी के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए प्लस के प्लस वन एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं वो डेल एफ ए, मतलब एक कम करके तो ये हो जाएगा डेल एफ ए प्लस के एच प्लस एफ एफ ए, यानी कि यहाँ पे भी एक प्लस ये ऐड हो जाएगा एफ ए प्लस के एच। अब फ्रेंड यहाँ पे हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ ए प्लस के प्लस वन एच इक्वल टू यहाँ पे पुट करते हैं डेल एफ ए प्लस के एच की वैल्यू क्या है, एफ ए प्लस के सी वन डेल एफ ए प्लस के सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट के सी के डेल एन एफ ए, बट डेल इस पर ऑपरेट किया जाता है तो ये डेल सभी में डेल हो जाएगा, डेल ऑपरेट करना है डेल एफ ए प्लस के सी वन डेल एफ ए प्लस के सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट चलता हुआ के सी के डेल के एफ ए एंड फ्रेंड्स प्लस, अब ये वैल्यू पुट करनी है हमें तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस के सी वन डेल एफ ए प्लस के सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस चलते हुए प्लस के सी के डेल के एफ ए, ये हो गया हमारे पास। यहाँ से फ्रेंड्स डेल को अंदर ऑपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल एफ ए प्लस के सी वन डेल स्क्वायर एफ ए प्लस के सी टू डेल क्यू एफ ए प्लस डॉट डॉट चलते हुए लास्ट में हो जाएगा के सी के डेल के प्लस वन एफ ए, के सी वन डेल के प्लस वन एफ ए, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये इस टर्म को यहाँ पे लिख देते हैं के सी के डेल के प्लस वन एफ ए प्लस प्लस, इसमें ये प्लस करना है एफ ए प्लस के सी वन डेल एफ ए प्लस के सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस डॉट डॉट प्लस के सी के डेल के एफ ए, ये लेना है फ्रेंड्स अब हमें, तो ये इसको हम लिख सकते हैं जहाँ एफ ए का, यहाँ पे हमें एफ ए, अब फ्रेंड्स इसमें से और इसमें से अगर इस एफ ए को हम पहले लिख देते हैं एफ ए, ये हमने लिख दिया, अब हमें इसमें से और इसमें से एफ ए कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा के सी वन प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ से और इसमें से ले रहे हैं तो ये हो जाएगा ओनली के सी वन, ये अपने पास वन रह जाएगा, या इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं के सी वन, सॉरी के सी जीरो लिख सकते हैं इसको हम, उसकी वैल्यू वन होती है तो ये हो जाएगा के सी जीरो डेल एफ ए प्लस, इसी तरह के सी टू, ये के सी टू प्लस ये आ गया अपने पास, और फिर इसके साथ हमें इसको लेना है तो के सी वन डेल स्क्वायर एफ ए प्लस, इसी तरह आगे वाला टर्म लिखा तो हम लिख सकते हैं के सी थ्री प्लस के सी टू, इसका के सी थ्री वाला टर्म लिया है और इसका के सी टू वाला टर्म लिया है डेल स्क्वायर सो डेल क्यू एफ ए प्लस चलता हुआ फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो लास्ट की टर्म है, इसमें जो लास्ट की टर्म आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी के सी के प्लस, ये आ जाएगा हमारे पास
ये ट्रेन आ जाएगी फ्रेंड्स के सी के माइनस वन डेल के अपॉन एफ डॉट एफ ए प्लस जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी हमारे पास के सी के डेल के एफ ए, सॉरी के प्लस वन है, के प्लस वन नहीं, यहाँ तो के प्लस वन ही आ रही, लास्ट टर्म भी रह जाएगी हमारे पास, ये बच जाएगी अकेले के सी के डेल के प्लस वन सॉरी एफ ए। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है वो के सी वन जैसे के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन हो तो ये हमारे पास हो जाता है के सी, फ्रेंड्स ये कंडीशन होती है, ये होता है के प्लस वन सी वन, ये हमारे पास कंडीशन होती है, सॉरी आर हो जाता है, ये आर हो जाता है, ये हमारे पास एक केस होता है के सी आर प्लस के सी आर माइनस वन हो तो के प्लस वन सी आर हो जाता है। तो इस कंडीशन से हम सभी में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस के प्लस वन सी वन डेल एफ ए प्लस के प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए, ये फिर चलता हुआ यहाँ तक चलेगा, ये हो जाएगा के प्लस वन सी के माइनस वन डेल के सॉरी के प्लस वन सी के डेल के एफ ए प्लस लास्ट में ये जो टर्म है अपने पास ये टर्म है के सी के, इसकी वैल्यू वन होती है तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं के प्लस वन सी के प्लस वन, या इसको सिंपली डेल के प्लस वन एफ ए लिख सकते हैं। फ्रेंड्स यही जो हमें प्रूव करवा रहा था, हमने जो पहले जो प्रूव करना था हमें यही लिया था हमने एफ ए एन सी प्लस वन डेल एफ ए एन सी प्लस टू डेल, और हमने ये लिया था एफ के प्लस टू के लिए प्रूव करना था, जो एफ के प्लस टू के लिए प्रूव करना था वो ये प्रूव करना था हमें, हम ये शो करना चाहते थे और ये हमने शो कर दिया यहाँ पे, यहाँ हमने शो कर दिया इसको के प्लस वन सी के प्लस वन लिख लें, तो ये हमारे पास जो हम शो करना था वो हम शो कर चुके हैं। सो भाई मैथमेटिक्स इंडक्शन मेथड, अवर प्रूफ इज कंप्लीट।